मैं डॉक्टर आर के वर्मा, विधायक विश्वनाथ दिन प्रतापगढ़ से आप सबको सादर नमस्ते। सम्मानित साथियों, आज कोरोना वायरस से फैली महामारी जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोहराम मचा करके रखी है और जिसके कारण दुनिया के बड़े बड़े देश जो मजबूत अर्थव्यवस्था वाले थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो, सबकी कमर टूट गई है। इन परिस्थितियों में जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा करने का कार्य किया, तब हमारे ही देश के कुछ ऐसे लोग जो लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लेते या इस बीमारी से आने वाले संकट को गंभीरता से नहीं लेते और अपने आप को अपने घरों में बंद करके नहीं रखना चाहते, ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार, समाज और देश को बचाना है, तो आपके पास एक ही और एक सबसे बड़ा हथियार है। वह हथियार है आप घर में रहें, अपने आप को घर में बंद करके रखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया, लॉकडाउन का अनुपालन करने का कार्य नहीं किया और यह महामारी अगर कम्युनिकेबल ट्रांसमिशन का रूप ले ली, तृतीय फेज में अगर पहुंच गई, तो निश्चित रूप से मैं आप सब लोगों को उस संकट को बताना चाहता हूं कि तब हमारे पास, इस देश के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा जो हम बड़ी जनहानि से रोकने में कामयाब हो सके। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप बड़ी जनहानि को रोकना चाहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को अपने घरों में सुरक्षित करके रखें और दूसरे लोगों को ऐसी सलाह भी देते रहें। अगर किन्हीं परिस्थितियों में आवश्यक किसी वस्तु को लेने के लिए अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है, तो आने के बाद अपने घर पहुंच करके अपने स्वयं से लेकर के सभी वस्तुओं को पूरी तरीके से सैनिटाइज करके ही अपने परिवारी जनों से मिले। और मैं ऐसे अवसर पर एक चिकित्सक होने के नाते कुछ सलाह भी देना चाहता हूं कि अपनी आदत में हॉट सलाइन वाटर का गरारा करना ना भूलें। सुबह, दोपहर, शाम तीन बार हॉट सलाइन वाटर का गरारा करें। अगर आपके घर में कोई एंटीसेप्टिक गार्गल है, चाहे बीटाडीन या अन्य कोई भी हो, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी दूध का सेवन करें, हल्दी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसी खाद्य वस्तुएं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करती हैं, चाहे वो तुलसी हो, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो गिलोय हो, या हमारे फल हो, नींबू है, संतरा है, या सभी प्रकार की सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे आपके शरीर के भीतर इम्यूनिटी मेंटेन रहे और आप हर एक बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सके। निश्चित रूप से यह बीमारी हमारे श्वसन तंत्र को खराब करने का कार्य करती है। इस बीमारी में जो प्राथमिक लक्षण मिलते हैं, चाहे वो छींक के रूप में हो या हल्के खांसी के रूप में हो, गले में दर्द के रूप में हो, तब हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अगर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड भी हो गए हैं और आप लगातार अपने गले का गरारा करने का कार्य कर रहे हैं, तो गले में बनने वाला थिक म्यूकस जो आगे बढ़कर के हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक फैल करके पूरे रेस्पिरेटरी चैनल को इन्फ्लेमेशन करके वहां पर थिक म्यूकस बना करके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की अवस्था को पैदा करने का कार्य करता है, तो हम उससे बच सकेंगे, कोरोना वायरस के संक्रमण को झेल सकेंगे और उसको परास्त कर सकेंगे। इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणाएं की है, उसका 100% अनुपालन करने का कार्य करिए और हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे गरीब, मजदूर, निर्धन लोग जो दूसरे प्रदेशों में जाकर के वहां पर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते रहे हैं, उनको भी आप सलाह दीजिए कि उन प्रदेशों में ही वहां पर जो रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं, हमारी सरकार ने घोषणा की है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के वो लोग जो पलायन कर गए हैं, जिस भी प्रदेशों में है, वह प्रदेश उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का कार्य करे। हम
उनके ऊपर व्यय किए गए पूरे खर्चे को वहन करने का कार्य करेंगे। इन परिस्थितियों में आपसे अंतिम अनुरोध करता हूं कि जो भी हमारे प्रदेश के गरीब लोग आपके संपर्क में आवे, उन्हें आप कह दें कि वह अपने स्थान को ना छोड़ें, वहां के रैन व शिविरों में जाकर के अपनी शरण लेने का कार्य करें। उनके ऊपर जो भी खर्च होता है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार उसको वहन करने का कार्य करेगी। और आप सब लोगों से अंतिम अपील के साथ कि जब जब इस देश में कोई भी संकट आया है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में रहा हो या किसी महामारी के रूप में रहा हो या विदेशी आक्रांताओं से जंग के रूप में रहा हो, जब जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है तब तब जीत सिर्फ भारत की हुई है। और आज भी हम जीतेंगे, लेकिन तभी जीतेंगे जब आप सब अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहेंगे और दूसरे लोगों को जागरूक करते रहेंगे। मास्क के नाम पर कुछ लोग भ्रांतियां पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। मास्क की जरूरत ऐसे लोगों के लिए है जो संक्रमित या जो संदिग्ध संक्रमित हैं, जिनके बीच में या पब्लिक के बीच में जिन्हें काम करना पड़ रहा है, देश की सेवा करना पड़ रहा है, उनके लिए आवश्यक है। अगर आप अपने घर में अपने परिवार के बीच में हैं तो आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, यह भी जागरूकता पैदा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंतिम अनुरोध के साथ कि अगर हमें कोरोना वायरस से फैली महामारी से अपने आप को, अपने समाज को, देश को बचाना है तो हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है अपने आप को अपने घर में सुरक्षित करके रखें। जय हिंद, जय भारत। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।